सो माई मॉर्निंग स्टार्टेड बाई हैविंग हॉट वाटर विद लेमन, और मैंने बनाया ये सैलड बॉयल्ड चने का। सो इसको खाते हैं। एक सेकंड। सो गाइज, पिंकू जा रही है मुझे छोड़ के। बाइक कहाँ है? कैब कहाँ है? मैं कैब तक चलूँ? सो मैडम इज गोइंग। कहाँ है कैब? अच्छा, बुला ले यार यहाँ पे। बाय। हे गाइज, वेलकम टू माई ब्लॉग वाई विथ अंशु रॉय, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। सो आज का दिन पिंकू तो चली गई मुझे छोड़ के, और मुझे अकेले काम करना था, दो बाहर भी जाना था मीटिंग के लिए, बट वो हो नहीं पाया। सो यू नो, लाइक आई थॉट टू शेयर समथिंग विद यू ऑल। लाइक यस, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग वेरी यूजफुल, एंड इट्स कम्प्लीटली अ न्यू वेंचर फॉर मी। एंड थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, तो मैंने सोचा था जाके आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, बट यस, आप लोग मेरी फैमिली मेम्बर बन चुके हो, सो ऑब्वियसली आप लोग को तो शेयर करना बनता है, राइट? सो आई एंटर्ड माई, यू नो, लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग माई हैंड्स ऑन इन रियल इस्टेट। ये एक ऐसी चीज़ है ना जो मेरा सपना था, यू नो, इन 2013 व्हेन आई डिड माई मास्टर्स। तो आई वॉज लाइक कि मुझे ना इस सेक्टर में जाना, बट दैट टाइम आई वॉज नॉट, यू नो, लाइक मुझे लगता था कि ये सेक्टर अच्छी नहीं है, आई के नॉट, यू नो, लाइक डील विथ सच पर्सनैलिटीज। एक वो जो होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल कह लो, कॉन्फिडेंस था, बट वो चीज़ें ना कि हर तरीके के लोगों से डील करना, शायद वो चीज़ें ना नहीं था उस टाइम। और मुझे उस टाइम का टाइम था ना जब मुझे लगता था कि सेक्टर अच्छा नहीं है, तो गाइज मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर मैंने सेक्टर की तरफ देखा ही नहीं। बट फाइनली नाउ आई हैव एंटर्ड इन टू दिस रियल इस्टेट वर्ल्ड। सो काफ़ी चीज़ें चल रहा है, लाइक अभी फिलहाल हमने द्वारका से स्टार्ट करा है, द्वारका एक्सप्रेस वे हो गया, गुड़गांव में भी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, बट यस, एंटायर दिल्ली NCR, और आगे चल के सब बढ़िया रहा तो फॉरेन में ज़रूर करेंगे, जो मेरा एकदम सपना है कि मुझे दुबई तक की प्रॉपर्टी सेल करनी है। सो ये चीज़ें चल रही है गाइस, सो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। इसकी वजह से, यू नो, लाइक मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रह पा रही हूँ, और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड आई एम लाइक कम्प्लीटली वर्कड अप। फिर हेल्थ भी इश्यूज़ होने लग जाते हैं जब आप इतना ज़्यादा वर्क करते हो, खाने पे ध्यान नहीं दे पाते हो। सो ये सारी चीज़ें चल रही है ऑल टुगेदर। सो चलो, मैंने आपको बता दिया, और यस, अगर आप लोगों को भी ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करना। और अगर ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, तो मैं कोई प्रॉपर्टी विजिट जब कर रही थी तो वो सोचे कि उस टाइम पे करूँगी, लेकिन यू नो, हो नहीं पाता है। आप क्लाइंट के साथ होते हो कभी, और यू नो, बहुत बिजी होते हो, तो फिर भी मैं आपको एक दो ब्लॉग में मैं अपनी प्रॉपर्टी दिखाऊँ, किस टाइप के प्रॉपर्टीज़ में हम डील करते हैं, सो दैट आपको आइडिया मिल जाए। एंड फिलहाल मुझे किचन में जाना है, सो चलो चलते हैं किचन में, खाना बनाते हैं, क्योंकि लिटरली मुझे घर का खाना खाना, कल भी बाहर का खाया था, सो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, यू नो, कि बहुत स्पाइसी वाला खाना खाए। सो चलो कुक करते हैं और खाते हैं। सो चलो गाइस, किचन में चलते हैं एंड देखते हैं क्या बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी सी मेस्टअप है, बट बहुत क्लीन है जो मैंने करा है। एंड गाइज, मैं जा रही हूँ बनाने आलू चने की सब्जी, पिंकू जा चुकी है, सो मैंने सोचा कुछ अपने लिए बनाऊँ, सो मैं अब मेरा साथ में ये ब्लॉग चल रहा है। सो यस, चलो खाना बनाते हैं। एक इलायची भी डाल दें, अनियन, तो गाइस इसको फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो चुका है, सो हम इसमें डालेंगे बेसिक मसाले, जिसमें हल्का सा चिकन मसाला, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर एंड हल्की सी रेड मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड आज मैं इसमें डालने वाली हूँ ऐसी साबुत लाइक गार्लिक और जिंजर। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत वाला खाना नहीं बनाने वाली हूँ आज, क्योंकि मैं लिटरली बहुत टायर्ड हूँ वर्क करके, तो बहुत सिंपल तरीके से बहुत ही इजी रेसिपी बना रही हूँ। सारे स्ट्यू टाइप से जो बनाते हैं ना, मैं इजी सा वैसे ही बनाने वाली हूँ। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लिया है मैंने, सो जस्ट 2 पोटैटोज और इतने चने हैं, क्योंकि मेरे को और पिंकू को ही खाना है, तो इसको थोड़े से फ्राई करते हैं, फिर तो इसमें हल्का सा स्पाइसेस ऐड करेंगे। एंड गाइस, नॉट टू फॉरगेट दिस धनिया थोड़ा। तो चलो इसको मिक्स करते हैं, हल्का सा पकाते हैं, और इसमें टोमेटो भी चॉप करना है मुझे, सो वो मैं करके मिलती हूँ आपसे। टोमेटो मैंने चॉप कर लिया है, सो इसमें डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो कुछ भी नहीं चाहिए, बट यस, सो हम इसमें डाल देते हैं सॉल्ट। ये स्पाइसेस फ्राई हो चुका है, सो मैं इसमें डाल दी वाटर। सो आई गेस इतना वाटर सफिशेंट है, और इसको हम प्रेशर कुक होने के लिए डाल देते हैं। गाइज, सब्जी में प्रेशर तो डाल दिया था, आई डोंट नो कैसा बना होगा, इतने कम टाइम में बनाया है गाइज, आपने देखा ना, जस्ट फटाफट विद इन 5 मिनट्स मैंने फ्राई करके वाटर डाल दिया। देखते हैं, हर तरीके की चीज़ें खानी चाहिए, थोड़ा शॉर्टकट अपना लाइफ में, यू नो, जब आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट, और मैं शॉर्टकट्स तो लाइफ में बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ,
लाइक इट्स नॉट अबाउट कि वर्क वाले सेंस में, बट अगर जब मुझे खाना बनाना है तो मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं 5 मिनट में बहुत कुछ बना लेती हूँ, 8 मिनट में मेरे पराठा रेडी हो जाते हैं. सो लिटरली गाइस मैं ऐसे ही हूँ. सो चलो देखते हैं कैसा बना है. वाह, ये देखो गाइस 5 मिनट वाली सब्जी ऐसी बनती है. सो थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं. वाह, ये है मेरी आज की वेजीज. हम चाहे तो इसको थोड़ा सा और ड्राई कर सकते हैं, बट ठीक है. आलू आलू हो गया है, वो मेन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. यस, आलू हो चुका है. यस, चलो गाइस खाना खाते हैं. सो गाइस ये देखो थोड़ा सा मिक्स करते ही ना, ये देखो कितनी मस्त सी हो गई ना. चलो बढ़िया चपाती बनाते हैं और अपना इतना प्यारा सा जो टेस्टी सा खाना बनाया उसको इन्जॉय करते हैं. सो गाइस मैंने बनाया एक चपाती और इसमें मैं लगाऊंगी देसी घी जो हमने लाया है हरियाणा से. दो मैं एक ही चपाती खाने वाली हूँ, बट एक खाएगी पिंकू, तो मैं उसके लिए भी घी ला के रख देती हूँ. आज मुझे बहुत ज़्यादा घी खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों. आप भी सोच रहे हो क्या हो गया इसको, बट मेरा मन कर रहा है सो मैं खाऊंगी. सो गाइज ये है मेरा डिनर रेडी. थोड़ा सा हलवा मैंने गर्म किया है, ये है मेरा चने की सब्जी, थोड़ा रायता, सैलेड एंड ये घी वाली रोटी. आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा है ना. सीरियसली मामा मेरी शॉक्ड होने वाले, मैं बिल्कुल घी नहीं खाती हूँ, बट आज मेरा मन कर रहा है. सो गाइज आपने देख लिया कितनी ज़्यादा घी खाने के मूड में हूँ, पता नहीं क्यों मन कर रहा है. कभी कभी क्रेविंग्स होती है, राइट? आपको भी होती होगी, मुझे भी हो रही है. दो आई एम नॉट अ घी लवर, नॉट अ दूध लवर, नॉट अ कर्ड लवर, बट आज मुझे सब खाना है. रायता भी खाना है, घी भी खाना है, हलवा भी खाना है, सब कुछ खाना है. क्योंकि मैं हलवा थोड़ा खा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में भी खा लिया था. एनीवे गाइज सो चलो इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं. आई नो कुछ भी नहीं था मुझे दिखाने क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी नहीं था, बट मैंने सोचा ब्लॉग तो बना ही देना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेट करो मेरे ब्लॉग का. एंड बहुत ज़्यादा गैप हो रहा था, यू नो. सो आई जस्ट थॉट कि नहीं, जितना मैं मेंटेन कर पा रही हूँ, जितना मैं ब्लॉग बना पा रही हूँ, तो प्लीज़ बनाऊंगी आप लोगों के लिए. गर्मी हो रही, किचन से आई हूँ ना. एंड सेकेंडली यू नो गाइज, सो प्लीज़ मेरे नए वाले वेंचर के लिए आप लोग प्रे करना. एंड यस, मेरा चैनल है आग डेकोर्स के नेम से ऑन यूट्यूब. वहाँ पर मैं सारे प्रॉपर्टी अपडेट कर रही हूँ, सो उसको फॉलो कीजिए. एंड वहाँ जाके आप सारे प्रॉपर्टीज़ देख किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ हम डील करें. कभी मैं जाके रिकॉर्ड करूँगी, दो मेरा फील्ड का इतना वर्क नहीं हो पाता क्योंकि मैं नहीं हूँ फील्ड पर्सन. मैं सेल्स, कॉर्पोरेट सेल्स ज़्यादा करना पसंद करती हूँ. सो कोई नहीं गाइस, चलो मैं खाना खाती हूँ, इससे पहले वो ठंडा हो जाए. एंड मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ. और मेरे को बहुत सारा अपना बेस्ट विशेस शेयर करना, सेंड करना, मैसेज करना, कमेंट करना. एंड मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. एंड आग डेकोर्स को भी सब्सक्राइब करो गाइस क्योंकि वो मेरा चैनल है. बाय गाइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल. एंड यस, मेरे लिए भी आप प्रे करना. बाय.